दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, तो प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिए UTS, देन आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन पे। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, देन आपको करना है यहाँ से ओपन। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इंडियन रेलवेज़ का ऑफिशियल ऐप है ये। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको कर लेना है रजिस्टर। रजिस्टर पे आएंगे तो मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, जो आप पासवर्ड चाहते हैं वो पासवर्ड डालेंगे, देन जेंडर आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, देन आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखाएगा, देन यहाँ पे ओके कर देना है। और उसके बाद में होम पेज पे आ जाएंगे तो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने रखा है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, देन आपके सामने ओपन हो जाएगा होम पेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं कई सारे, जैसे कि बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, आर वैलिड प्रोफाइल, सो बुक टिकट, हेल्प एंड लॉगआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक टिकट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, क्विक बुकिंग और यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग। तो नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, बुक एंड प्रिंट पेपर। तो ये 5 किलोमीटर के एरिया में है तो आपको पेपरलेस मिल सकता है, यानी कि जो आपके पास का रेलवे स्टेशन है वो 5 किलोमीटर दूर तक होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा दूर है तो आपको यहाँ पे पेपर पे प्रिंट कराना ही होगा। तो यहाँ पे जो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक जंक्शन डाल देता हूँ, यहाँ पे लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ जंक्शन से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि एज यू हैव सेलेक्टेड द बुक पेपर टिकट। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो आपका रेलवे स्टेशन है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो आपको प्रिंट आउट लेना ही होगा। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, देन मैं यहाँ से कर लेता हूँ जौनपुर जंक्शन। तो यहाँ पे डन कर देते हैं। जैसे डन कर देते हैं, देन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन हो जाता है कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पे एडल्ट देख लीजिए, चाइल्ड, और टिकट टाइप जो है कैसा रहेगा, और ट्रेन टाइप, और क्लास कौन सा रहेगा, देन सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और पेमेंट टाइप कैसे करने वाले हैं, तो डेबिट कार्ड UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन का टाइप भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लोगों का टिकट एक साथ बुक हो सकता है। यहाँ पे जर्नी क्लास जो है सेकेंड क्लास देख सकते हैं, जो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, देन ओके कीजिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1। ओके करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा टिकट, 95 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको करना होगा बुक टिकट। जैसे आप यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, देन यहाँ पे आप कर दीजिए इसको प्रोसीड, और उसके बाद में टिकट आपके सामने आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसको आप यूज कर सकते हैं वेब पे भी, यानी कि अपने लैपटॉप पे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करके, बिल्कुल वेबसाइट सेम तरीके से ओपन होती है और वर्क भी सेम तरीके से होता है, तो आसानी से कर सकते हैं, अनरिजर्व टिकट बना सकते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ, रिजर्वेशन वाला टिकट जो होता है वो अलग होता है, वो IRCTC की डायरेक्ट साइट से आपको करना होता है, और ये अनरिजर्व है। तो जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं उनके लिए, जो डेली चलती हैं बिना रिजर्वेशन की, तो उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।